अभी एक महीना पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए तो तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी 15,000 वोटों की लीड से जीते। अचानक एकदम तीनों निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत प्रभाव से तीनों चुनाव घोषित करवाए और मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई। देहरा विधानसभा क्षेत्र से 25 साल से हम कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत पा रही थी। पार्टी प्रत्याशी ने कमलेश ठाकुर को वहां से टिकट दिया और हाई कमांड ने जो सर्वे करवाया उसके आधार पर वो टिकट दिया गया, वहां हमारी जीत हुई है। नालागढ़ में आजाद प्रत्याशी थे और वहां भी हमारी अभी अंतिम काउंटिंग का दौर चल रहा है, वहां भी हमारी जीत सुनिश्चित है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो अंतिम अभी परिणाम में हम थोड़े पिछड़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर कि कांग्रेस पार्टी की जो 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनी थी उस समय 40 सीटें थी, वो 40 की 40 सीटें अभी कांग्रेस के पक्ष में आई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जनता की जीत है। भगवान के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र जनता की सरकार को गिराने के लिए किया गया, 16 महीने से हमने जनता के हित में कार्य किए और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने है। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र होता है, इसमें मतदाता वोट डालकर अपनी भावनाओं का प्रकट करता है और मतदाताओं ने अपनी भावनाओं का प्रकट किया। कुछ जगह एक विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं रणनीति मतदाता ने वोट तो बहुत अधिक डाला है, बहुत कम वोटों से हम हमीरपुर में अभी पिछड़े हैं, फाइनल आउटकम पर ही मैं उसके बारे में कह सकता हूँ, लेकिन दो सीटों पर हम कंफर्टेबल लीड हमने बनाई है और मैं हिमाचल की जनता का, आम लोगों का, किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, खरीदो फरोख्त की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। 28 फरवरी से जो प्रदेश में अनिश्चितता का माहौल चल रहा था और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून को दो सरकारें बनेंगी और अभी भी जनता को ठग रहे थे कि हम तीनों सीटें जीतने के बाद दोबारा से सरकार बनाएंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के जनादेश को स्वीकार करके आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने आपकी बात को ठुकराया है। देखिए, हिमाचल के संदर्भ में जनता के बोर्ड से हम 40 विधायक चुनकर आए और नोट के दम से हमारी सत्ता को गिराने की कोशिश की गई। 28 फरवरी को इस बारे में पहला षड्यंत्र रचा गया और विचित्र बात यह है कि एक महीना तक ये 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र में अपने गए नहीं, हिमाचल की सीमा के बाहर आए नहीं, एक महीना हिमाचल की सीमा के बाहर बैठकर ये पूर्व विधायक जो थे वो सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे थे। और दूसरी बात, इन 3 निर्दलीय विधायकों को इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी? अगर हम काम नहीं कर रहे थे तो वैसे भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ सकते थे, तो इन निर्दलीय विधायकों पर किस चीज़ का दबाव था? ये सब जनता ने इसका जवाब दिया और करारा जवाब दिया है। तो मैं हिमाचल की जनता का, सभी लोगों का, आप पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये राजनीति की शुचिता को बनाए रखने के लिए और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भविष्य में आने वाले 50 साल में कोई भी पार्टी ताकतवर हो, मैं किसी की बात नहीं करता, जो जनता के बोर्ड से चुनकर सरकार बनाती है और नोट के दम से जिसको गिराने की कोशिश की जाती है, ये जनता का जवाब उन पार्टियों को है। और भविष्य में मेरा मानना है कि आने वाले समय में ऐसा हिमाचल की राजनीति में नहीं होगा और भारत की, हिंदुस्तान की राजनीति के लिए भी ये एक सबक के तौर पर देखा जाना चाहिए।